ग्यारह लाख में 40% पब गए तो 4-5 लाख पब गए। सुना, इन लोगों के पास यही वोट है। हाँ। लोग लड़ कहाँ रहे हैं हमारे समझ नहीं आ रहा है। किसी भी लोकसभा में यही बात नहीं, अमेठी भाजपा जीत रही है, रायबरेली भाजपा जीत रही है, और सुनिए जो यादवों का गढ़ है मैनपुरी फिरोज वहाँ भाजपा जीत रही है। आप जानते हैं अखिलेश की पूरी फैमिली, आपके हिसाब से तो हमें लग रहा है कि जो योगी जी हर मंचों से दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट आ रही है, तो आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 80 सीट आ जाएगी यूपी? 60 सीट करीब आएगी, 80 नहीं आएगी, 65 सीट, 65 सीट, सुनिए 80 नहीं आएगी, 65 सीट 67 सीट यही आएगी भाजपा। ये बताइए आप, मतलब एक देश है, लोकतांत्रिक देश है ये, हाँ आप इसमें, आपसे जब पूछा गया कि कितने कौन जीत रहा है क्या कैसे है, तो आपने तुरंत जाति में बांट दिया, 2.5 लाख ब्राह्मण हैं, 1 लाख कुशवाहा हैं, 2 लाख यादव हैं। अंकल जी क्या मतलब जाति के आधार पे यही विडम बनाया? ये है ना, यही यही कारण है, ये कह रहे हैं सपा जीतेगी। अंकल जी हम बोल रहे थे तो फिर बात वही, आपने तुरंत जाति के हिसाब से पूरा 1 लाख कुशवाहा देगा, पूरा 2.5 लाख पूरा बीजेपी को देगा, ये गलत बात है। क्या कहे तब कौन देगा? लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं भाई, उनका काम है 300 सीट भाजपा, मैं आपसे कहा ना 400 में नहीं कहा, और जो अलायंस पा जाए 10-20 यही है, और कह रहे हैं अखिलेश 300 में पा रहा हूँ, 500 कह रहे हैं मैं पा रहा हूँ, सब पा। ये बताइए वो दिल्ली में जीतेंगे नहीं, वो दिल्ली में जीतेंगे नहीं, पंजाब में एक भी सीट निकलेगी नहीं उनकी, जीती ही दिल्ली में भी देख लिए एक भी सीट नहीं निकलेगी उनकी, साथ ही सातों सीट नहीं जीत पाएगी, कन्हैया कुमार लाठोर है दिल्ली में, कन्हैया कुमार लाठोर है, वो एक पड़का खा गिर गया। हमारा कहने का मतलब ये हो, चाहे कार्यकर्ता बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, ये पब्लिक को किसी से कोई फायदा नहीं होने वाला है, और हम आपको बता दें जब तक मतलब चुनावी का मुद्दा चल रहा है तब तक हर कोई नेता मंत्री विधायक घर घर पे दिखेंगे, और जैसे ही ये चुनावी मुद्दा खत्म होता है कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। हमारा कहने का मतलब साफ साफ ये है कि अगर सत्ता बदलती है तो उसमें पब्लिक को फायदा, अगर सत्ता नहीं बदलती, एक ही सत्ता रहती है तो अपने मन की सत्ता चलाती है। जो समय पे एग्जाम का कैलेंडर तक नहीं, फिर अंकल जी बोल रहे हैं, अंकल जी आप बात क्या बताइए समय पे सर कैलेंडर जारी होना चाहिए कम से कम। सर अगर आप युवा की बात करें, सर सुन तो लीजिए सर, हमें बस इतनी ही चीज़ें चाहिए कि आप समय पे पारदर्शी तरीके से करा दीजिए, जो कि नहीं हो पा रहा है तो सर क्यों नहीं युवा निराश होगा, क्यों नहीं आपसे मुख मोड़ेगा, और उस पर आप जाके कोई जवाबदेही नहीं है। अगर आपको जब तक पूरा सोशल मीडिया पर हाईलाइट नहीं हो जाता है तब तक RO का पेपर कैंसिल, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कैंसिल का कोई नोटिस तक नहीं आया। लड़के जो है वहाँ लोक सेवा आयोग गेट पर जाके 4-4 दिन खड़े रहे, लाठी डंडा खाए, तब जाके जब मीडिया कवरेज मिला देश का तब जाके उसको कैंसिल का ऑर्डर आया, वो भी यूपीपी में भी हुआ था, यही यूपीपी के एग्जाम में भी हुआ था, तो सर क्यों नहीं दुखी होगा युवा, और युवा का और क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजे न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी हम जौनपुर के गोपी घाट पर हैं साहब, और आपको बता दें कि जौनपुर की सियासत जो है वो बहुत गर्म है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर जनता जनार्दन क्या सोच रही है और किसे 25 तारीख को वोट देके 4 जून को दिल्ली भेज देगी, तमाम लोग हैं, हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कैमरे के फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार जौनपुर की जब बात होती है साहब, जौनपुर की वो सीट है पूरे प्रदेश में चर्चा होती है, और जौनपुर की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, और यहाँ की जो राजनीति है वो पूरा दिल्ली से लेके पूरे भारत देश तक पूरा एकदम हाहाकार मचा रहता है। चलिए हम लोग पहले नाम जान लेते हैं, क्या नाम हो भैया आपका? अमित कुमार सोनकर जी हमें मिल गए। चाचा जी क्या नाम है? मेरा चंद्र प्रकाश सिंह है। अच्छा, चंद्र प्रकाश सिंह जी हैं। भैया आपका क्या नाम है? सर विपुल मिश्रा। विपुल मिश्रा जी। भैया आपका क्या? आशुतोष यादव जी मिल गए। आगे आइए यादव जी। अब आप ये देख सकते हैं हमारे साथ तमाम लोग जुड़ गए हैं, और हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर। अगर हम बात करें तो जौनपुर में सांसद किसे बना रहे हैं? बाबू सिंह कुशवाहा जी को बना रहे हैं हम। बाबू सिंह कुशवाहा, हाँ। भैया आप? सर साइकिल पर बाबू सिंह कुशवाहा को आप? जी सर। चाचा जी आप किसे बना रहे हैं? हम भाजपा को, कृपा शंकर सिंह जी को, हाँ। यहाँ से उनको, बी पी सरोज को मछली शहर से, दोनों जीत रहे हैं बहुत वोटों से, दोनों जीत रहे हैं अंधाधुंध, बहुत वोटों जीत रहे हैं।
तो चाचा जी कह रहे हैं अंधाधुंध वोटों से कृपा शंकर सिंह जीत रहे हैं। लीजिएगा, यहाँ से दोनों सीट हार जाएंगे जौनपुर से, दो के दोनों सीट हारेंगे। जीत रही है जौनपुर से। सुनिए, इतने लोग यहाँ है, मैं कह रहा हूँ यहाँ मिट्टी खिलाऊंगा करके, हम 1 तारीख शाम को आ जाऊंगा, रिजल्ट आ जाएगा। अगर बाबू सिंह कुशवाहा 260,000 वोट डाक गाएंगे, मैं कभी नहीं आऊंगा और मिट्टी लोगों को खिलाऊंगा। कृपा, हम भी आएंगे यहाँ पे, अगर 260,000 कृपा शंकर सिंह, कृपा शंकर सिंह कम से कम 4 लाख वोट पाएंगे, 4 लैक्स। हाँ सुनिए, और बसपा पाएगी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। सुनिए, 1.5 लाख मैक्सिमम पाएगी। बता रहे हैं आप, अपना आंकड़ा बता रहे हैं, बाबू राम कुशवाहा का। सुनिए, आप बताइए, 2.25 लाख मुसलमान हैं, 2,70,000-80,000 यादव हैं, 5 लाख वोट हो रहा है, कहाँ से बाबू राम कुशवाहा जीतेंगे, इनको कोई वोट बता नहीं बस। ये चाचा जी आप ये बताइए, आप कोई पार्टी के पदाधिकारी तो नहीं है? कुछ नहीं, हम पी रवि संघ के ठीके, सुनिए, पी रवि संघ ठेकेदार, मैं जिले का अध्यक्ष हूँ। चंद्र प्रकाश सिंह बिंदु में लोग मुझे कहते हैं, हमारे पेपर में आते हैं और बयान आते रहते हैं। ऐसा है कि जो स्थिति है आज की डेट, कुशवाहा के पास कोई वोट नहीं, मौर्या 50% चले गए सपा में, तो बहुत करेंगे वो तो 2.75 लाख वोट पा जाएंगे, 50% भाजपा में है इस समय। शहर के मौर्या जो है कुशवाहा के साथ हैं, गांव के मौर्या भाजपा के साथ हैं, आप जानिए 1,70,000 मौर्या, तो ये वोट इनका है। और झूठा जीत रहे हैं, फालतू बिले कोई मुद्दा ही नहीं है। 11 लाख वोट, आप पहली बात पूरी सुनिए, 11 लाख वोट, सुनिए 11 लाख वोट, सुनिए आप, 11 लाख वोट भाजपा का है, 11 लाख वोट, 11 लाख में 40% पर हुआ तो 4-5 लाख पर हुआ। सुना, इन लोगों के पास यही वोट है, तो लोग लड़ कहाँ रहे हैं हमारे समझ नहीं आ रहा है। किसी भी लोकसभा में यही बात नहीं, अमेठी भाजपा जीत रही है, रायबरेली भाजपा जीत रही है, और सुनिए जो यादवों का गढ़ है मैनपुरी फिरोज, वहाँ भाजपा जीत रही है। आप जानते हैं अखिलेश की पूरी फैमिली, आपके हिसाब से तो हमें लग रहा है कि जो योगी जी हर मंचों से दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट आ रही है, तो आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 80 सीट आ जाएगी यूपी? 60 सीट करीब आएगी, 80 नहीं आएगी, 65 सीट, 65 सीट, सुनिए 80 नहीं आएगी, 65 सीट 66 सीट यही आएगी भाजपा, 65 से 66। अच्छा, आएंगे आपके पास आते पहले। अब नव युवक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये मिश्रा जी हैं और ये यादव जी हैं, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद मुश्ताक। मोहम्मद जी हमारे साथ हैं, तो इन लोगों से भी जान लेते हैं चाचा जी। पहले यादव जी आप बताइए, तो चाचा जी बता दिए ऐसा कि भाजपा की 65 सीट आ रही पूरे यूपी में, ये बस टोक्यो छोड़े सब सीट जीत रहे हैं हम लोग सपा वाले, बस टोक्यो हार रहे हैं, वो पेंडिंग में है। उसके अलावा जो बता रहे हैं जौनपुर से 2.5 लाख वोट से, तो 2.5 लाख वोट से आप जो कर रहे हैं 1 तारीख को, आप 4-5 तारीख हमसे मिलने का, मिल लीजिएगा। आप कहें 2.5 लाख वोट नहीं पाएंगे ना कुशवाहा जी? बाबू सिंह कुशवाहा, मैं कहा कि 2,50,000-2,70,000 बीच वोट पाएंगे ना, अगर उससे ज्यादा वोट पा जाए तो अंकल जी क्या करेंगे बताइए आप? मैं कहा था 5 किलोमीटर जहाँ कर अंकल जी इसका दीजिए, मिलना जरूर, मिलिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। ये चीजें हाईलाइटेड है और चल रही है, ये पूरा पूरे विश्व में ये वायरल होगा। युवा लोग तो कभी उनको वोट देंगे नहीं, सबसे बड़ी बात बीजेपी वालों को, शंकर सिंह जी को युवा तो कोई नहीं देंगे, सब देंगे। कुछ ऐसे युवा है जो नहीं देंगे, हमें ये बताइए अगली बार। सोनकर जी है ना? हाँ सोनकर जी अब बताएंगे। इसके पहले भी इलेक्शन हुआ था, अखिलेश आए थे यादव, 230 पूरा 230 पूरा यादव सेलेक्ट हुए थे, बाकी कोई नहीं हुआ था हिंदू में, और बाकी कोई नहीं। इसके वहाँ कुत्तूपुर चौराहा के जो सोनकर लोग वहाँ कुत्तूपुर चौराहे पर के हैं, वहाँ मैंने एक रिपोर्ट दिखाया था, 90% सब सपा चिल्ला रहे थे, बदल गए क्या 4 दिन पहले? देखिए वो वहाँ पे क्या चिल्ला रहे हैं, यहाँ पे क्या चिल्ला रहे हैं, हम जिसको चुनते उसी को देंगे। इसके पहले भी अच्छी सरकार नहीं थी, कुछ अच्छी नहीं थी, अब जो आए ये अच्छी है, हम इसी को चुनेंगे। इस साल में क्या कुछ विकास हुआ है जौनपुर का? बहुत हुआ, ये विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ? आज तक जौनपुर में अभी तक पारसनाथ यादव हुए सांसद, धनंजय भी हुए और श्याम सिंह यादव भी हुए, तमाम लोगों ने हुआ आज तक। ये छोटा जिला प्रतापगढ़ सुल्तानपुर है, 200 ओवरब्रिज बना है, जाम नहीं लगता, सिटी स्टेशन किसी तरह बन गया है, जान लीजिए। आज तक कोई भी सांसद काम सपा नहीं किया, और सुनिए आज तक सपा 2,30,000 ऊपर वोट ही नहीं जिले पाई है,
रेखा निकाल लीजिए अपने यहाँ, 2-3 4 लाख ऊपर वोट केपी सिंह पाए हैं, 2,30,000 ऊपर वोट नहीं पाए है, 25-30,000। एक सवाल और आपसे कर लेते हैं, अच्छा एक सवाल और कर लेते हैं आपसे, सुनिए ना, 2014, 2019 और ये 2024, जिस हिसाब से 2014 में बीजेपी की लहर थी और 2019 में लहर थी, क्या वो लहर 2024 में नजर आ रही है? लहर लगातार बनी हुई है, हाँ, 2-4% वोट घटते बढ़ते उसकी बात नहीं है, लेकिन भाजपा चरम पर है पूरे देश में, कम से कम 350 से सीट आसपास पाएगी, 400 कह रहे हैं, हम नहीं मानते। अच्छा मोदी जी 400 कह रहे हैं, कह रहे हैं मोदी योगी जो भी कह रहे हैं, 400 नहीं पाएगी, 300 से ऊपर और 340-350 भाजपा पाएगी और अलायंस से लेकर 370-380। अच्छा मिश्रा जी से बात कर लीजिए, मिश्रा जी बताइए सर, अभी एक बात अंकल जी को, मतलब आप सर बुरा मत मानिएगा, देखिए हाँ ये बताइए, आप मतलब एक देश है, लोकतांत्रिक देश है ये, हाँ आप इसमें, आपसे जब पूछा गया कि कितने कौन जीत रहा है क्या कैसे है, तो आपने तुरंत जाति में बांट दिया, 2.5 लाख ब्राह्मण है, 1 लाख कुशवाहा है, 2 लाख यादव है, अंकल जी क्या मतलब जाति के आधार पे यही विडम बनाया, ये है ना, यही कारण है ना, बाटी ये कह रहा है सपा जीतेगी, अंकल जी हम बोल रहे थे तो फिर बात तो ही, आपने तुरंत जाति के हिसाब से पूरा 1 लाख कुशवाहा देगा, पूरा 2.5 लाख पूरा बीजेपी को देगा, ये गलत बात है, क्या कहे तब कौन देगा, लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं भाई, उनका काम है, उनको क्या अपना, आप काम पे बात करिए, रोजगार पे बात कीजिए, आप सड़क के, आप रोड पे देखिए सड़क की क्या हालत है, मछली सर पड़ाव पे चले जाइए, ओलंगंज पे चले जाइए, 5-5 महीने से खोद कर, घर ओलंगंज में है, जब विकास कार्य होगा कहीं रातों रात सड़क नहीं बनती, खुदेगा तभी बनेगा वो, आप सड़क का अच्छा अच्छा मिश्रा जी रुकिए रुकिए रुकिए, एक सवाल, अगर हम बात करें तो ये जो भाई क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों बात करें, अगर ये टोक रहे धर्म उस पे जाति के नाम पे, तो आप मिश्रा जी क्यों, वो बिल्कुल टोक सकते हैं, लेकिन हमारा काम जो है, हम अपना काम कर रहे हैं, सुनिए पहले, अगर देखिए ये जो भारत देश है, रुकिए ना पहले सवाल सुनिए, भारत हाँ उस पर बोलना नहीं चाहिए, विकास सुनिए, जब सड़क सुनिए, जनपद के जितनी सड़कें हैं, शहर की जितनी भी सड़कें हैं, सब में गंगा योजना के तहत नमामि गंगे सारी सड़कें खुदाई हो रहा है, बन रहा है, अभी मैं सोता ओलंगा से लेकर कचेरी तक मैं पेंट कर दिया हूँ, मैं ही किया हूँ, मस्जिद पड़ा मेरा ही है, सुनिए मैसा पड़ा मेरा ही, वो भी जस जग एक हफ्ते में काम शुरू हो जाए, जब जल निगम वाले खोद करके उसको खोद छोड़ दिए हैं, तो उसको अब हम बना रहे हैं, तो जहाँ काम होगा विकास चाहे पूरे भारत दुनिया नहीं। एक सवाल है जो हमेशा लोगों के दिमाग में इस समय चल रहा है, इस बार चुनाव में हम लोग ग्राउंड में घूम रहे हैं, हाँ। कि भारत देश जो है वो युवाओं का देश है, अब की बार आखिरकार युवा क्या चाह रहा है, मिश्रा जी ये सवाल आपसे। सर युवा क्या चाहेगा, युवा अलग अलग चीज़ें चाहेगा, अब जाहिर सी बात है हमारे उम्र के लोग हैं तो रोजगार चाहेंगे, अगर सरकारी नौकरी तैयारी करें सरकारी नौकरियां चाहेंगे, और चाहेंगे कि सर कोई घर लाके थोड़ी दे देगा, भैया आप एग्जाम कराइए भर्ती खाली है, पारदर्शी तरीके से कराइए, समय पर रिजल्ट दीजिए, भर्ती कराइए, वही तो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्या चल रहा है एक साल से, दस साल छोड़ो, बार पिछले एक साल की बात, पिछले 2-3 साल से क्या चल रहा है सर, यही तो चल रहा है, आप जो है समय पर एग्जाम का कैलेंडर तक नहीं, फिर अंकल जी बोल रहे हैं, अंकल जी आप समय पर सर सिलेंडर जारी होना चाहिए कम से कम, सर अगर आप युवा की बात करें सर सुन तो लीजिए सर, हमें बस इतनी ही चीज़ें चाहिए कि आप समय पर पारदर्शी तरीके से करा दीजिए, जो कि नहीं हो पा रहा है तो सर क्यों नहीं युवा निराश होगा, क्यों नहीं आपसे मुख मोड़ेगा, और उस पर आप जाके कोई जवाब दे ही नहीं है, अगर आपको जब तक पूरा सोशल मीडिया पर हाईलाइट नहीं हो जाता है तब तक आर ओ का पेपर कैंसिल का कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कैंसिल का कोई नोटिस तक नहीं आया, लड़के जो है वहाँ लोक सेवा आयोग गेट पर जाके 4-4 दिन खड़े रहे, लाठी डंडा खाए, तब जाके जब मीडिया कवरेज मिला देश का तब जाके उसको कैंसिल का ऑर्डर आया, यही यूपीपी में भी हुआ था, यही यूपीपी के एग्जाम में भी हुआ था, तो सर क्यों नहीं दुखी होगा युवा, और युवा को और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। अच्छा अगर गवर्नमेंट की बात किया जाए, सरकार की बात की जाए, रुकिए ना, सरकार की बात किया जाए, ये लोग तो 5 साल आने के बाद इनका कन्फर्म हो जाता है कि 5 साल के लिए सांसद जी बन गए हैं, लेकिन अगर 5 साल वही जो युवा है अगर ओवर एज हो जाएगा तब क्या कंडीशन, तो वही बात सर हटा दिया जाएगा, ओवर एज हो जाएगा कोई सुनवाई नहीं है, या तो फिर आप कोर्ट का शरण लीजिए, कोर्ट का शरण लेंगे आपको 2-2.5
साल ऐसे ही निकल जाएगा, तमाम पैसे रुपए खर्च होंगे, छोड़ो भैया चलो कुछ और अपना कुछ व्यापार ही कर लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे लगा के, यही अवसर रहेगा। और अंकल जी जो काम कर रहे थे कि काम अभी चल रहा है, खुदाई उदाई चल रही है तमाम तरीके की, लेकिन सर उस पर हम ये करना चाहेंगे, कोई भी काम की सर एक समय सीमा होती है, हैं, हर आदमी बद्ध होता है किसी न किसी वजह से। तो सर किसी काम को आप कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 5 साल 7 साल 10 साल में करेंगे, अगर वो काम होने का 6 महीने लायक है, 1 साल लायक है तो काम होना चाहिए। यहाँ के जो नए DM आए उन्होंने पहला एक्शन जो है जो यहाँ के अभी कौन ये अपने विधायक जी हैं जो यादव जी उनके ऊपर ही लिया, उनकी शिकायत भी नहीं यहाँ के यार गिरीश यादव मंत्री जी उनकी शिकायत भी उन्होंने की, उनसे बैठक भी लिया कि इतने टाइम हो गए क्यों ये काम अभी पूरा नहीं हो पाया, तब जाके थोड़ी बहुत रोडों की रंगाई पुताई चालू हो गई जिससे धूल न उड़े। तो सर स्थिति ये है, चुनाव भी एकदम सर पे मड़रा रहा है, सर पे तो है सर, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन हर एक मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम जब अगर समय सीमा के अंदर नहीं होगा तो उसका कोई महत्व नहीं है। 4 साल सर 2.5-3 साल हो गए, जो सर खुदाई की बात करें तो उसका 2 साल हो गए, अमृत योजना के तहत तो सीवर का काम चल रहा है सर, 2.5-3 साल से काम चल रहा है, लेकिन क्या सर जिस रोड पर बन गई उसको तो आपको कंप्लीट कर दीजिए, क्या वो भी तो छोड़ दिया गया है वो गलत। अच्छा अगर हम बात करें छठवें चरण का जो चुनाव है वो 25 तारीख को होने जा रहा है साहब, और अगर हम बात करें तो छठवें के बाद फिर 1 तारीख को 7वां चरण है, और उसके बाद 4 जून को परिणाम आना। अगर हम जौनपुर सांसद की बात कर लें तो जौनपुर में सांसद कौन बन रहा है मिश्रा जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, जो आपके हिसाब से लगे वो बताइए। सर मेरे हिसाब से मुझे कौन बन जाएगा, बने सर कोई भी, लेकिन कोई भी सर कैंडिडेट मेरे हिसाब से सही नहीं, ये कि साइकिल वाले जीत जाएंगे और क्या। बाबू सिंह कुशवाहा का माहौल लग रहा है क्या, बाबू सिंह कुशवाहा जीतेंगे, सामने आइए सामने, अभी इधर तो सब लोग कर रहे, पूरा जौनपुर बीजेपी में हो गया है, पूरा जौनपुर बीजेपी में, यहाँ कृपा शंकर सिंह 2.5 लाख वोट से जीत रहे, सब लोग चाचा जी कर रहे हैं, क्यों चाचा जी भैया बोले। देखो हमारा कहने का मतलब ये है, नहीं कहा हूँ मैं, ये कहा हूँ जब ये 3.5 लाख वोट पाएंगे, वो 4 लाख वोट पाएंगे तो 1.25 लाख का अंतर हुआ ना। हमारा कहने का मतलब ये है कि बाबू सिंह कुशवाहा ही यहाँ से जीतेंगे, और कोई कितना भी कुछ कर ले कुशवाहा ही जीतेंगे, और कोई कितना भी कुछ कर ले उनका जितना तय है। अरे उनके ऊपर तमाम घोटाले के आरोप लगे हैं और कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं जौनपुर में, ऐसा लोग कह रहे हैं। इस तरफ से देखा जाए तो केजरीवाल जो दिल्ली के हैं उन्होंने बोला है कि ED और CB अगर हमारे हाथ में CBI हमारे हाथ में दी जाए तो हम भाजपा के सारे जो नेताओं हैं उनको अंदर रखने की ताकत रखते हैं। तो इस तरह से भाजपा के ऊपर भी बहुत सारे केस लगे हुए, मतलब जिसका दिखता है वही बिकता है। हम हो रहा है इस सरकार जो ईमानदारी से रहेगा, भ्रष्टाचारों कोई जगह नहीं है, जो ईमानदार का ईमानदारी से काम करेगा उस सरकार में सुखी रहेगा। अच्छा अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लिया जाए, शिक्षा विभाग पर कितनी GST लग रही है, लोग कर रहे शिक्षा जो है वो धीरे धीरे महंगी होती जा रही है, जो गरीब परिवार 200-300 रुपया दिन भर में कमा नहीं सकता है वो अपने लड़के को कैसे IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर कैसे बना सकता है। सबके लिए फ्री सेवा हो रहा है, ट्यूशन के लिए सरकार सुनिए बताइए ना सर, एजुकेशन बताइए सर, लखनऊ में सेंटर खोला गया प्राइवेट की जा रही है पहले। ये देखिए इधर आपके बगल में भैया, क्या बताओ क्या नाम है भैया आपका? अंकुर नाम है। अंकुर क्या? अंकुर सिंह जी। हाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं सब प्राइवेट की जा रही हैं और फीस जो है डबल की जा रही है, हाँ इससे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अंकुर सिंह जी बता रहे हैं, कह रहे हैं हमारे देश में अभी गरिमत है, आप यहाँ चले जाइए विदेशों में न, इंटर के बाद ग्रेजुएशन करने 50-60 लाख लगता है विदेशों में, आप कहीं उठा निकाल देखिए हमारे देश में भी बहुत ही गरीब है। आपको क्या लगता है गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं? गठबंधन की 300+ आएंगी, देख लीजिएगा आप सभी लोग। और जो अंकल जी बता रहे हैं अपने इंडिया में, ये अपना इंडिया किस नंबर पे जानते हैं आप? 128वें नंबर पे है। ना विश्वास, अभी आप फोन निकालिए गूगल से सर्च करके देख लीजिए, आप सभी चीजों में इतना पीछे ना एजुकेशन में पीछे, महंगाई में इतना ज्यादा महंगाई है, इतनी गरीबी है यहाँ पे, बताइए 80 करोड़ लोग। मोबाइल खोलिए आप, हम खोल दिखाते हैं आपको, देखा खोलो यार, शिक्षा निकालिए पहले, शिक्षा निकालिए, हाँ दिखाओ, महंगाई भी दिखाओ, पेट्रोल की महंगाई भी दिखाओ, डीजल की महंगाई भी दिखाओ। चाइना से लेकर ब्रिटेन अमेरिका यहाँ से पेट्रोल डीजल महंगा है, सारे डेवलप कंट्रियों में, केवल सऊदी अरब दुबई छोड़ करके डीजल पेट्रोल महंगा है। कहाँ पे कहाँ भैया, क्या नाम है इधर आ जाइए, अरे सुनबा तब ने बोला बोला, बताइए क्या कर रहे हैं सर।
वैक्सीन पे क्या कहना चाहते हैं? वैक्सीन पे कुछ आप बताना चाहेंगे? कोविशील्ड या जो एस्ट्रेजेनिक बताना चाहेंगे, जो 50 आप वैक्सीन में क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। एस्ट्रेजेनिका है वो जाके ब्रिटिश में खुद ये कोर्ट में मानी है कि उसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है। जो कोविड शील्ड का टीका सब लोग लगवाए थे, हार्ट अटैक और तमाम जो बीमारियां हो रही हैं, हटा लिया अपना वहां पर से। वैक्सीन क्या कहना चाहते हैं आप? वैक्सीन भी क्या कहना चाहते हैं? वैक्सीन पे हमको कोई जानकारी नहीं है, पहली बात। खत्म हो गए बस। वैक्सीन मैं लगवाया, समाजवादी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, 30 करोड़ रुपए लिए हैं। सुनिए, हाँ कोई भी जो भी यहाँ होगा, 50 करोड़ रुपए लिए हैं कोविशील्ड कंपनी से। झगड़ा नहीं करेगा यहाँ पे। सुनिए एक मिनट, 50 करोड़ रुपए लिए कोविशील्ड कंपनी से, क्या वो नहीं जानते थे इसके बारे में? आप लोग बात करें, रखना चाहिए। अगर आप सब चीज के बारे में अगर जानते हैं, अगर आप सब चीज के बारे में जानते हैं, तो आप कोविड 19 के बारे में क्यों नहीं जानते हैं? सुनिए 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 एक मिनट सर, एक मिनट। परसेंटेज कम है, आंकड़ा जो है परसेंटेज कम। भाजपा को, भाजपा कितना, सुनिए पहले, गमछा मत उड़ाइए, सुनिए पहले। लोग मर रहे हैं, इनको बताइए अंकल जी को, 150 लोग मर रहे हैं। कम है ना, इनके घर में ज्यादा फैमिली होगी। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसमें चेचक की बीमारी थी, उसमें वैक्सीन लगा था, आज 30 साल हो गया, उसमें 30 साल हो गया, आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया। आज भाजपा की सरकार में चेचक वैक्सीन लगता था, उसमें फोड़ा फुंसी सब बीमार हो जाते थे, इतने लोग डायबिटीज, तो किसी ने उंगली, किसी ने आज 30 साल हो गया, किसी ने उंगली नहीं उठाया भाजपा के साथ। तो आपको सुनिए, हमने सुनो, हमारे सामने की बात है, कोविड 19 में जो कोई भी थोड़ा भी बुखार और खांसी होता था, ये क्वेश्चन मारा था उनके, सुनाइए पहले। हम ये पूछना चाहते हैं, जब भाजपा को इतना भरोसा है, हम 400 पार जा रहे हैं, तो चंडीगढ़ में मेयर में वोट चुराने की क्या जरूरत थी? ये वोट चोरी की है ना, सुप्रीम कोर्ट ने मारा ना, क्या दिक्कत थी उनको? और जब भाजपा को इतना भरोसा है कि हमारे 400 पार है, इतना जोरों से प्रचार करने की क्या जरूरत है? शांति से बैठे रहो, तो जीत तो उसकी हासिल है ना। सपा कांग्रेस 300-400 चीज जीत रहे, वो भी जीत रहे, तो भाजपा भी 500 जीत रही है। ऐसा है, चुनावी मुद्दा है, सुनिए, कोई नहीं कह रहा है, चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा में सारे नेता अपने को ज्यादा बताते हैं, रखते हैं कि हमारे वोट बढ़े, हमारे सीट बढ़े, ये भौकाल बनाते हैं, भौकाल भौकाल। लेकिन मैंने आज कहा न, 300-325 सीट भाजपा, मैं आज कहा न, 400 में नहीं कहा, और जो अलायंस पा जाए 10-20 यही है, और कह रहे हैं अखिलेश 300 में पा रहा हूँ, 500 कह रहे हैं मैं पा रहा हूँ, सब पाउते बा। ये बताइए, वो दिल्ली में जीतेंगे नहीं, वो दिल्ली में जीतेंगे नहीं, पंजाब में एक भी सीट निकलेगी नहीं उनकी, जीती दिल्ली में भी देख लीजिए, एक भी सीट नहीं निकलेगी उनकी, साथ ही सातों सीट नहीं जीत पाएगी, कन्हैया कुमार लाठोर है दिल्ली में, कन्हैया कुमार लाठोर है, वो एक पड़का खा गिर गया। हमारा कहने का मतलब ये हो, चाहे कार्यकर्ता बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, ये पब्लिक को किसी से कोई फायदा नहीं होने वाला है, और हम आपको बता दें, जब तक मतलब चुनावी का मुद्दा चल रहा है, तब तक हर कोई नेता मंत्री विधायक घर घर पे दिखेंगे, और जैसे ही ये चुनावी मुद्दा खत्म होता है, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। हमारा कहने का मतलब साफ साफ ये है कि अगर सत्ता बदलती है तो उसमें पब्लिक का फायदा, अगर सत्ता नहीं बदलती, एक ही सत्ता रहती है, तो अपने मन की सत्ता चलाती है। सत्ता बदलना चाहिए। अभी रुक जाइए, अभी मित्रों हम आपको बता दें कि अभी हम लोग जौनपुर के गोपी घाट पर थे, और ये हमारे साथ तमाम युवा थे और एक चाचा जी थे, जो तथ्यों के साथ अपनी बातों को रख रहे थे। और आपको बता दें कि पूरा चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में गहमी गहमा है, और नेता जो हैं अब वो एसी से निकलकर लगातार 4-4, 5-5 रैलियां कर रहे हैं। सभी लोग साहब पूरा अपने आप को धूप में तपा रहे हैं। अरे शांत रहो यार, क्या कुछ मामला होता है तो 4 जून को पता हो, 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल जौनपुर से कौन सांसद बनेगा ये बड़ा सवाल है, और यहाँ की जनता जनार्दन जो है वो लगातार लाइव कैमरे पर बता रहे थे। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।